आज भी इतनी लड़ाई के बाद मेरे मेन अकाउंट का कार्ड उनकी पॉकेट में है। अभी भी आपने ब्लॉक नहीं कराया उसको? नहीं, अभी भी आप देख सकते हैं वो कार्ड कलकत्ता में यूज हो रहा है। उसके बावजूद ब्लैंक चेक्स उनके पास, अगर आप कहें तो मैं उनके नंबर भी दे सकता हूँ। वो प्रॉपर वे में अभी भी मेरी सारी चीजें यूज कर रही हैं। उसके बाद ये मुझसे कहती हैं कि मुझे खर्चा नहीं देते। देखिए, दो एंगल्स पर हमने बात कर ली। एक शादी के एंगल पर हमने बात की, दूसरा हमने फैमिली परिवार के एंगल पर बात कर ली, तीसरा एंगल इसमें प्रॉपर्टी आ जाता है। एक फार्म हाउस है उसका जिक्र किया जा रहा है कि वो शायद हसीन जहान अपने नाम पर चाहती थी। मतलब ये प्रॉपर्टी का एंगल है क्या? ऐसी कितनी प्रॉपर्टी शमी? देखिए, जब इंसान की भूख बढ़ जाती है, नियत में कुछ खोट आ जाता है, मुझे लगता है ये सब चीज़ें फिर पैसे की तरफ और प्रॉपर्टी की तरफ चली जाती हैं। क्योंकि देखिए, प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ है ना, आपकी जान से ज़्यादा या आपके इज्जत से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि आप इस हद तक आप आरोप लगा चुके हैं और आप इस हद तक बात कर चुके हैं, आप वहाँ के लोकल जो वर्कर्स हैं, जो लोग हैं, उनसे भी इंक्वायरी कर सकते हैं कि उनका कैसा एटीट्यूड और कैसा बिहेवियर था उस प्रॉपर्टीज़ को लेकर। प्रॉपर्टीज़ क्या, वो एक इशू बन गया था फैमिली में झगड़ा बनाने के लिए। हालांकि उस फार्म, वो जो जगह, जो लैंड है, उस जगह पे भी बोर्ड इनके ही नाम का लगा हुआ है। उसका नाम शायद हसीन जहान फार्म हाउस है। जी, उस जगह पर इनके नाम का भी बोर्ड लगा हुआ है। तो ये क्या चाहती थी? इनको इस हद तक इन्होंने झगड़े झमेले किए हैं कि आरोप लगाने वाली बात, जो बहुत ईजी होती है किसी के लिए भी, इन्होंने आरोप तक के लगाए हैं कि तुम्हारी फैमिली नहीं चाहती थी कि तुम मेरा नाम बोर्ड पर डालो। लेकिन उसके बावजूद मैंने उनसे कहा कि ये अगर फैमिली नहीं चाहती थी या मैं नहीं चाहता तो बोर्ड पे नाम कहाँ से आया? अगर नहीं चाहेगा कोई तो कैसे आप डाल सकते हो जो आपके अगेंस्ट में है और वो उसी के घर पे है? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब आपका जो पार्टनर है वो आपके सामने खड़ा है, साथ खड़ा है। लेकिन वो चीज़ छोड़कर वो फैमिली के मुद्दे पर, फैमिली को हर जगह खींचना, हर वो चीज़ करना जो फैमिली को पसंद ना हो, जैसे उठने बैठने पे झगड़ना, खाने पीने पे झगड़ना, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई थी। एक दिन तो हद ही हो गई थी, इन्होंने मम्मी पापा के खाने को इनकार कर दिया। क्या हुआ मतलब? मतलब उनका खाना हम नहीं बनाएंगे, उनको अपना सेपरेट बनाना पड़ेगा। जो बंदा हजार घर में खाना हसीन जहां बनाती थी जब वो गाँव आती, घर में बहुत सारे लोग हैं खाना बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बंदा हजार लोगों का भला करता हो, आज उसका खाना उसको खुद को बनाना पड़ता, वो भी तब जब उसका बेटा इंडिया खेल रहा हो, उसका मतलब पीक टाइम ऐसा हो, और उसका उसके लिए उसका सिलेंडर और गैस निकाल कर रसोई से बाहर रख दिया जाए तो कैसा फील होगा? मैं इस पर थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहूँगी कि खाना बनाने के लिए उन्होंने किसका मना किया? आपके माता पिता के लिए उन्होंने खाना बनाने के लिए मना किया? वो केवल दो ही मेम्बर ऐसे हैं जो मेरे घर में रहते हैं, मेरी वाइफ है, बच्ची है, मैं हूँ, भैया है, भाभी, उनके दो बच्चे हैं। भैया भाभी दो बच्चे मुरादाबाद रहते हैं, अलग रहते हैं। जी ठीक है। मैं और ये जब जाते हैं तो हम पांच लोग हो जाते हैं। ठीक है। जब वो लोग उनको बुला लेते हैं तो हम सात लोग हो जाते हैं और दो तीन बच्चे हो जाते हैं। तो इस बीच अगर आप, अगर गार्जियन का, अगर आप खाना बनवाते हो या गार्जियन को सुकून से खिलाते हो तो आपका क्या बिगड़ जाता है? उस दौरान इस स्टेज में जिसका बच्चा इस लेवल पे हो और वो अपना खाना, दोनों जन का खाना अलग बना रहे हो बैठे हुए, तो कैसा बीतेगा? तो जब आप लोग जाया करते थे वहाँ पर तो किचन अलग हो जाया करता था? वो किचन अलग तब होता था तब हम दोनों तीनों भाई घर के बाहर होते थे। झगड़ा तब होता था जब हम दोनों भाई बाहर होते थे। किस में झगड़ा होता था? नोक झोंक जब भी होती थी इनकी, कह तुम्हारे पापा ने, मम्मी ने ये किया, तुम्हारे उन्होंने ये किया, हम ऐसा होगा वैसा होगा, तब होता था तब हम लोग बाहर होते थे। तब हम घर होते थे कुछ नहीं था, नॉर्मल, चाहे आप 24 घंटे रहो, 4 महीने रह लो, आप कुछ नहीं होता था। जहाँ घर से बाहर रखा कदम, फोन पीछे से हाजिर था, इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी थी। ये नोकझोंक शादी के कितने वक्त बाद या फौरन, जब शादी उसके फौरन बाद से ही शुरू हो गई? ये कुछ दिन के बाद से शुरू हो गई, क्योंकि जैसे जैसे इनका, इनको जानना शुरू हुए, जैसे जैसे इन्होंने इनकम देखी अपनी, क्योंकि इंडिया से अच्छा खासा ठीक ठाक पैसा आता है, सो इनको लगा कि ये सारी चीज़ें मेरे हाथ में रहनी चाहिए या मेरे पास होना चाहिए। क्यों ये भैया को दे रहे हैं? भैया लूट के खा रहे हैं या उनको नोच के खा जाएंगे, उनको कब्जा कर लेंगे हर चीज़ पे, वो इनकी थिंकिंग थी। बहुत समझाया इनको, सबके सामने बैठकर समझाया, ऐसा नहीं, इन्होंने यार दोस्तों को भी बुला लिया साहब, उसके सामने भी इन्होंने ड्रामे किए।
नहीं तो आपकी भाषा में अगर मैं कहूँ कि अगर ये इतना ड्रामा करती थी और आप परेशान भी आ जाते थे तो कभी आपने अपना टेम्पर लूज किया, हाथ उठाया, क्योंकि उनकी तरफ से आरोप आप पर लगाए घरेलू हिंसा का भी? देखिए, अगर ऐसा होता तो बहुत पहले सामने आ चुका होता, क्योंकि कोई भी लेडी कोई बर्दाश्त नहीं करेगी कि आपके ऊपर हाथ उठाया जाए। अब वो जिस तरीके से नाम ले रही हैं, मोहम्मद भाई और अलिशबा, आपको दुबई में पैसे दिए गए, दुबई में आपको पैसे क्यों दिए गए, ये इस वक्त तीन सबसे बड़े सवाल हैं जो सीधे सीधे आपके करियर से जुड़े हुए हैं मोहम्मद शमी, इन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये चीज़ हमें जो ये मैटर निकाला गया है ये टोटली BCCI के अंडर में आता है, और BCCI में मैं मानता हूँ BCCI बहुत अच्छी तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, इसकी अच्छे से जांच करेगी। अगर जो दोषी पाया जाता तो जो BCCI सजा देगी मुझे वो मंजूर है। और जहाँ तक मोहम्मद भाई, अलीश भाई, ये सब चीज़ जो पैसे और ये चीज़ जो जोड़ी जा रही है ना, इस चीज़ का तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं आपसे दो स्टेप आगे रहूँगा इसकी इंक्वायरी में। कल इस बारे में आपसे पूछताछ भी हुई है? देखिए, ये BCCI का मामला है और कॉन्फिडेंशियल मामला है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मेरे हिसाब से प्लीज़ ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, आप इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। मैं जांच को लेकर किसी तरीके का कोई सवाल आपसे नहीं पूछूंगी, लेकिन देखिए मोहम्मद भाई को लेकर क्लैरिफिकेशन हम चाहेंगे, क्योंकि खुद हसीन जहान जब शुरू में आती हैं तब तो वो मोहम्मद भाई की तारीफ कर रही होती हैं, वो कहती हैं कि वो शायद मोहम्मद भाई के घर भी रुकी हैं, वो बताती हैं कि वो तो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वो इस तरीके की बात करती हैं, और फिर अब वक्त के साथ साथ वो मोहम्मद भाई को कटघरे में खड़ा कर रही हैं, शायद उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वो तो सेक्स रैकेट तक चलाते हैं। ये मोहम्मद भाई कौन है, ये गुत्थी बन गए? क्योंकि देखिए, ये इनकी हैबिट हो चुकी है, आप बहुत सारे इंटरव्यूज आप देख चुके हैं, जैसे मोहम्मद भाई का ये एग्जांपल आपने दिया है, आप उसको खुद देख चुके हैं कि एक दिन तो वो कहती हैं कि वो फरिश्ता हैं, नमाज नहीं छोड़ सकते, आप देख सकते हैं उनके इंटरव्यूज़, उसके अगले दिन आप कहती हैं मैं एक्स फिक्सर हैं, थर्ड डे आप कह रहे हो कि आप जैसे आप अभी बोले कि सेक्स रैकेट चलाते हैं। तो अगर ये सब है तो आप क्या कर रहे थे उनके घर, क्यों उनके साथ आप एयरपोर्ट से घर जाते हो, उनके घर पर रुकते हो, शॉपिंग करते हो उनके साथ, उनके साथ डेली डिनर पे जाते हो, इवन आप जब वापस आते हो तो उनकी ही कार से एयरपोर्ट आते हो। वो तो उसमें आपको जोड़ती है ना, क्योंकि वो आपके साथ थी, क्योंकि वो आपकी पत्नी है और आपके उनसे संबंध है, इस वजह से जब वो कहीं आपके साथ जाएंगी और अगर आप मोहम्मद भाई से मिलेंगे तो वो मजबूरन उन्हें करना पड़ेगा। तो मेरी फैमिली के साथ क्यों नहीं किया? मैं फैमिली के साथ भी तो था। अगर वो मोहम्मद भाई को इतना बड़ा, अगर आप सोच रही है कि आप मेरी वजह से कर रहे हो, तो मैं तो फैमिली के साथ था, तो आप मेरी फैमिली के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? मैं आज तो अपनी फैमिली के साथ हूँ, आप मेरे साथ फैमिली के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा के, मेरे ऊपर धक्का मारने के बाद आप मुझसे कहती हो कि आपकी वजह से मैं थी, तो आज तो मैं फैमिली के लिए भी सोच रहा हूँ, आज तो मैं आपके लिए भी सोच रहा हूँ, आज आप मेरे साथ क्यों नहीं हो? आपको मेरी इतनी परवाह थी? तो मोहम्मद शमी, पिछली बार जब मेरी आपसे बात हो रही थी आप लगातार ये बात कह रहे थे कि देखिए इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ी साजिश है, समझ पा रहे हैं अब आप वो साजिश क्या है, या आपकी पत्नी के पीछे कौन है, ये समझ पा रहे हैं आप? देखिए, ये तो पूरा खुलासा होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कुछ लोग हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि जैसे मतलब किसके बहुत सारे मेंटल चीजें की जा रही हैं, डेली कुछ ना कुछ आरोप लग रहे हैं, किसी का नाम आ रहा है, जैसे ये कर सकता है परिवार। देखिए, लास्ट टाइम मैं आपसे बोला था मैं बराबर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी 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 जी, मैंने कांटेक्ट किया, मैंने व्हाट्सएप कॉल भी किया, बात हुई? जी जरूर बात हुई, उस हसीन ने मुझसे बात की। अच्छा, नॉर्मल बात हुआ, उसके बाद हसीन ने वो फोन, बात क्या हुई, गिले शिकवे हुए? देखिए, वो आपके पास ऑडियो है, मैंने रिलीज कर दिया था वो, ठीक है, क्योंकि उस फोन के कटने के बाद हसीन ने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया कि वो धमकी दे रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दी है, शायद आपने सुना होगा जी। उसके एक घंटे बाद मैंने वो ऑडियो रिलीज किया था, क्योंकि मैंने वो दूसरे फोन से रिकॉर्ड किया था, कल मुझ पर ये उंगली ना उठा दें कि मेरी बात नहीं हुई। अब आप हसीन जहान को बेहतर तरीके से समझने लगे हैं, ऐसा मान सकते हैं आप? उसके बाद ये अपने स्टेटमेंट चेंज करती हैं, आज कुछ बोलती हैं, कल कुछ बोलती हैं, और आज शायद आपने सुना होगा इनके जो एडवोकेट साहब हैं उन्होंने रजिस्ट्री से इनकार कर दिया है, जो मकान जो लैंड इनके नाम पर है आज उन्होंने ही इनकार कर दिया है। मतलब जो मैंने इनको रजिस्ट्री कर, जो इनकी लैंड खरीदे हैं इन्होंने अपने घर नाम पर घर वर खरीदे हैं, आज उन्होंने खुलासा प्रेस में भी किया है कि वो रजिस्ट्री है ही नहीं इनके नाम की।
तो किसके नाम है? ये तो वही बताएंगे, मेरे पास तो प्रूफ है, आप देख सकते हैं। तो क्या प्रूफ है और इससे आप बात को कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं? मैं समझ देखिए ये एक बहुत बेवकूफ़ी वाली बातें हैं कि आप एक इंसान को अच्छा बोलते हैं, कल दूसरे उसी इंसान को उतना बुरा बोल देते हैं कि आदमी सुन भी नहीं सकता। और मेरे ऊपर तो खैर छोड़ ही दिए, जो जो आपने सुना है, जो इल्ज़ाम देखे हैं, मुझे देशद्रोही तक का साबित कर दिया है। तब के 3 दिन पहले आप कह रहे थे कि जब ये आते हैं तो मेरी ईद हो जाती है, इनके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और उसको तुमने 3 दिन के बाद देशद्रोही का साबित कर दिया। ये है ABP News, आपको रखे आगे।